बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 13 है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर कोर्स जो है वो हम पढ़ रहे थे। न्यूरोट्रांसमीटर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हमने जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख लिया था। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हम देखेंगे जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर करने में और डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुछ टाइप्स होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। एक होती है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और कुछ होते हैं मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि वो चीज या वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आप में एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और इसका आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि आप में एक्साइटमेंट पैदा करे, एक अराउजल की तरफ ले जाए। उसमें क्या होता है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं, आपकी एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही होती हैं, आप प्रॉपरली एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। तो वर्क किस तरह से होता है कि जब एक न्यूरोन दूसरे न्यूरोन को मैसेज सेंड करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे ही एक न्यूरोन फायर करता है तो फौरी तौर पर अगले न्यूरोन तक मैसेज उसका बहुत जल्दी ट्रांसफर हो रहा होता है और वो आपकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और सम टाइम ये होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आप में जो है वो पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। और समटाइम जब किसी को कोई डिसऑर्डर होता है या उसकी कोई फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो हम ऐसी मेडिकेशन यूज करते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को वो कंट्रोल कर सके। समटाइम हमें ऐसी मेडिकेशन की जरूरत होती है जो कि उनके लेवल को स्लो डाउन कर सके। जब एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें जरूरत होती है कि एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके, तो उसके लिए हम ऐसे जो है वो सप्लीमेंट यूज करते हैं या ऐसी हम मेडिकेशन यूज करते हैं जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बैलेंस कर दे, बिल्कुल इक्विलिब्रियम की स्टेट तक ले आए, होम्योस्टेसिस की स्टेट तक ले आए, ताकि जितनी जरूरत है काम करने की वो उसी रफ्तार से काम करते रहें। जब बहुत ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो चीजें भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ लीड करती हैं, और जब बहुत ज्यादा जो है वो स्लोली वर्क कर रहे होते हैं तो ये चीजें भी एक स्पेसिफिकली डिसऑर्डर की तरफ जो है वो लीड कर जाती हैं। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि जब आपका जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो ये इफेक्ट डाल रहे होते हैं आपके न्यूरॉन्स पे। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज है या नर्व की एक्टिविटीज है वो इंक्रीज होती है। वो किस तरह से कि जो एक्शन पोटेंशियल का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है कि एक न्यूरॉन जब मैसेज रिसीव करता है तो उसके बाद केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल दोनों के थ्रू मैसेज जो है वो अगले न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन तक ट्रांसफर होता है। अब एक्सॉन के अंदर से जिस तरह से केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में जो मैसेज सेंड हो रहा होता है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स पुश कर रही होती है, तो इस सारे प्रोसेस को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर इस टॉपिक को डिटेल में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन अब जो है जनरली हम इसको देख रहे हैं तो इसको सिर्फ इसी टर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब मैसेज सेंड हो रहा होता है एक्सॉन से जो है वो एक्सॉन टर्मिनल तक सेंड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। कि उस वक्त जो है वो केमिकल मैसेंजर है वो हरकत में आ रहे होते हैं, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये दो टाइप्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो होते हैं हमारे पास सेकंड टाइप क्या होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर लें, इनके फर्दर कुछ टाइप्स हैं। जैसे अब हमने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को पढ़ा तो इसके अंदर फर्दर उसके सब टाइप्स आ रही हैं। तो लेकिन हम जनरली किस तरह से पढ़ रहे होते हैं कि हम एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन को देख रहे होते हैं, इंडोर्फिन को देख रहे होते हैं, डोपामिनिस टाइप के जो उसके मेजर हैं उनको थॉरली पढ़ रहे होते हैं। यूजुअली हम इनको क्लासिफाई नहीं करते इन चीजों में, तो इनकी क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि आप चीजों को समझने में आपको आसानी हो कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं।
अगर आप इसी चीज को समझ लेते हैं कि एक्साइटेटरी में कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं, या आप इसी चीज को समझ लेते हैं कि इनहिबिटरी में कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं, तो आपको उनकी फंक्शनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। आप इस चीज में को लेकर क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, जब आपको ये पता होगा कि ये किस टाइप में आ रहे हैं या किस क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। अच्छा जी, मॉड्यूलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, इनका क्या काम होता है या ये क्या काम कर रहे होते हैं? जिस तरह से न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनके न्यूरॉन की टाइप्स की अगर हम बात करें, तो इंटर न्यूरॉन और जो है वो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरम्यान में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वो दोनों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं उसको, सॉरी, ऐसे न्यूरॉन्स को हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसी तरह जो मॉड्यूलेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये भी एक ही टाइम में बहुत सारे जो है क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन कह सकते हैं, या बहुत सारे बंडल ऑफ न्यूरॉन भी आप कह सकते हैं, या अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन जो है उनके साथ एक ही टाइम में उन पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं, उनके साथ एक ही टाइम में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं एसिटाइलकोलाइन भी, इसको पढ़ा जाता है सम टाइम, और कुछ लोग इसको एसिटाइलकोलाइन भी पढ़ते हैं, तो आप जिस तरह से भी इसको चाहे पढ़ लें, लेकिन यूजुअली जो एसिटाइलकोलाइन भी पढ़ा जाता है उसको एसिटाइलकोलाइन भी पढ़ा जाता है। अच्छा जी, एसिटाइलकोलाइन जो है ये भी एक्साइटेटरी न्यूरोन है, इसका क्या न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसका क्या काम है कि एक्टिविटीज जो होती हैं उनको इंक्रीज कर देना। आप जो एक्साइटेटरी का मतलब होगा, तो फर्स्ट तो ये है कि वो जो है वो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है या इसके अमाउंट या एक्टिवली वर्क कर रहा होता है, तो उस वक्त ये क्या है कि जब एक्टिवली वर्क कर रही होती है आपकी बॉडी, तो किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं? अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मेरी कोई कॉल आ रही है। अच्छा जी, तो क्या होता है कि एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं, तो किस तरह से इंक्रीज हो रही होती हैं? कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हमारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं और कुछ जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के सेल्वेशन हो रही है एक पर्सन को, स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके इंटरनली क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो ये बंदा बता सकता है जो उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है, हार्ट बीट उसकी इंक्रीज हो जाती है, और इसमें ये जो है जब हार्ट बीट इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ जो है वो ब्रीदिंग पे भी इफेक्ट आ रहा होता है, कि वो भी प्रोसेस जो है वो एक्टिवली वर्क कर रहा होता है, या हम बहुत तेजी से सांस ले रहे होते हैं। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये आपकी मेमोरी में भी रोल प्ले कर रहा होता है, मोटिवेशन में भी, अटेंशन में भी रोल प्ले कर रहा होता है। और ये क्या है कि जब प्रॉपर वे में ये जो है वो रिलीज नहीं हो रहा होता या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, तो ये जो है डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर की तरफ लीड कर जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज। अच्छा, अल्जाइमर डिजीज की तरफ लीड कर जाता है। अब अल्जाइमर डिजीज क्या है, ये जो है ऐसी डिजीज है जिसमें एक पर्सन को मेमोरी लॉस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे होते हैं, कि वो चीजों को याद नहीं रख पा रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हम जो मेडिकेशन यूज करते हैं, वो मेडिकेशन जो है वो हेल्प करती है कि एसिटाइलकोलाइन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखा जा सके, यानी कि जो मेमोरी लॉस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं इसके जो है लेवल कम होने की वजह से उसको बैलेंस किया जा सके, उसको मेंटेन रखा जा सके, ताकि आपकी मेमोरी रिलेटेड जो इश्यूज है वो रिजोल्व हो सके, सॉर्ट आउट हो सके। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज को भी देख रहा होता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये जो है वो सेलिवेशन के प्रोसेस में रोल प्ले कर रहा होता है, कि जो स्लाइवा है वो एक्टिवली प्रोड्यूस हो रहा होता है आपके जो है वो मुंह में, टीयर से रिलेटेड यानी कि रोने में, या जैसे भी आपकी कोई ऐसी टीयर ग्लैंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनमें ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ क्या है कि ये डिसऑर्डर जो है ये इनमें जो इश्यू अगर आ जाए इसके लेवल में, तो आपको स्वेयर टाइप की वीकनेस भी हो सकती है, ठीक है, आप जो है वो पैरालाइज भी हो सकते हैं, यानी कि आपको फिजिकल एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो
विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है कि आप चीजों को क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाते जब इसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर इसका लेवल कम होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, आपकी मेमोरी लॉस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे होते हैं, यानी कि अल्जाइमर डिजीज टाइप के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कोई भी जो है वो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम में कभी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाए या नहीं हो रहा तो उसकी वजह से फौरी तौर पर आप डिसऑर्डर की तरफ लीड कर जाएं, ऐसा नहीं होता। जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें बैलेंस करने का सिस्टम है, लेकिन जब चीजें सिवेरिटी को क्रॉस कर जाएं उसके बाद फिर वो डिसऑर्डर की तरफ लीड करता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, डिफरेंट इनके फंक्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो अब इसकी जो एक लिस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, आप इसको फर्दर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों की तरफ जो है वो ये लीड करता है। उसके बाद एपिनेफ्रीन क्या है, कि एपिनेफ्रीन को अगर हम उसकी बात करें, हॉर्मोन्स की बात करें या ग्लैंड्स के मद में इसको डिस्कस करें, तो इसको एड्रेनालिन भी कहा जाता है। ये जो है ये ग्लैंड सिस्टम से यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट करती हैं, और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज जो होते हैं कि आपने स्ट्रेसफुल इवेंट में या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, ये उस चीज को रेगुलेट करते हैं, या वहां एक पर्सन को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एपिनेफ्रीन है ये ना सिर्फ एज अ हार्मोन वर्क कर रहा होता है और बल्कि एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि ये दोनों का रोल प्ले कर रहे होते हैं, हार्मोन का भी रोल प्ले कर रहे होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का भी। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इसको एपिनेफ्रीन कहा जाता है, और अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो ये एड्रेनलिन जो है वो ग्लैंड होती है, वहां से हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के। अच्छा, कब है कि जब एक पर्सन किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को या कोई भी फेयरफुल सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज दे रही होती है। अब हम जब एकदम से कोई ऐसी चीज जिससे हम डरते हैं वो अचानक से हमारे सामने आ जाती है, या समटाइम हम नहीं भी डरते लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो अचानक से आपके सामने आती है, तो आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है। यानी कि आप अपनी मगन होके अपना कोई काम कर रहे हैं, वो स्टडी है या वो कोई भी घर का काम है या कोई भी आपकी जॉब से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो अचानक से कोई ऐसी आवाज आती है बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है कि आप लोग डर जाते हैं। तो डरने की वजह से क्या क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं कि आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आप जो है वो सांसें जो है वो इंसान की फूलने लगती हैं कि वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होता वो, बल्कि बहुत ज्यादा तेजी से वो जो है वो ब्रीथिंग हो रही होती है। उसके साथ साथ मसल्स पे भी इफेक्ट आ रहा होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। जब हम फियर को एक्सपीरियंस करते हैं हम देखते हैं कि चीजें नॉर्मल हैं, उसके बाद हमें गहरा जो है वो सांस लेते हैं, फिर खुद को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, लेकिन वो जो कंडीशन होती है उस वक्त बिल्कुल हमारी बॉडी जो है वो समटाइम काम रही होती है कि हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो हार्मोन है ये डिसीजन मेकिंग की पावर में भी रोल प्ले कर रहा होता है, और एपिनेफ्रीन जो है ये मैं आपको मेजर मेजर चीजें बता देती हूँ कि ये क्या काम कर रहे होते हैं। ये जो है वो आपको सम टाइम ये कुछ इश्यूज की तरफ भी ले जाती हैं, उसमें बीपी का लेवल का इश्यू हो सकता है, आपको डायबिटीज का इश्यू हो सकता है, हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, उसकी तरफ भी आपको लीड कर सकते हैं ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इनका वर्क क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनपे भी इफेक्ट डाल रही होती हैं, ठीक है, और उनमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डाल रही होती हैं, और उसकी वजह से स्वेलिंग के इश्यूज भी जो है वो देखने में मिल सकते हैं, और आपको अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, एक पर्सन को जो है वो एलर्जी भी हो सकती है। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये केमिकल नेचुरली आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, ये होते क्या है, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो केमिकल मैसेंजर ही हैं जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन इनका काम भी क्या होता है कि ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में, और आपको मोबिलाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं कि आपने डेंजर में या ऐसी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है या किस तरह से आपने बिहेव करना है, कि आपको उस चीज के लिए रेडी कर होते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डोपामीन। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये जो है ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इसको ये कह सकते हैं कि पॉजिटिवली इफेक्ट डाल रहे होते हैं कि आप अच्छा फील करवाने में एक पर्सन को बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें रिवॉर्ड की कंडीशन होती है तो उस वक्त ये रिलीज हो रहे होते हैं, मोटिवेशनल में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसमें जो है वो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी एडिक्शन से मुराद ये होता है कि आप ड्रग एडिक्टेड हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं या किसी भी मनशा आपके आदि हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि आपके अराउजल्स इंक्रीज हो जाते हैं, आप में फीलिंग ऑफ प्लेजर जो है वो फील कर रहे होते हो, इस वजह से लोग लेते हैं, जिससे इसका लेवल इंक्रीज होता है। जो भी ड्रग एडिक्टेड होती हैं तो उनका पर्पस क्या होता है कि एक फीलिंग ऑफ प्लेजर की तरफ लीड करना, कि उन्हें वो एक सेटिस्फेक्शन महसूस करें या फीलिंग ऑफ प्लेजर वो मिले। तो बहुत सारे लोग जब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला है, तो उसके बाद वो ऐसी चीजों को यूज करते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि वो रिलैक्सेशन की स्टेट में चले जाएं। तो ये जो डोपामिन है, ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि एक पर्सन को रिलैक्स फील करवाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये बॉडी की कोऑर्डिनेशन में भी मेजर रोल प्ले कर रहा होता है और मोटर मूवमेंट में भी रोल प्ले कर रहा होता है। आप इसको जो है, बल्कि नहीं, समटाइम ये क्या करता है कि कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज, जो है ये क्या होता है कि ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी जो मूवमेंट होती है ना बॉडी की, वो इम्पेयर हो जाती है कि आप एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते। जिस तरह अल्जाइमर डिजीज है वो मेमोरी लॉस से रिलेटेड है, तो उसी तरह ये एक पार्किंसन डिजीज है जिसको डीजेनरेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ये दोनों डिसऑर्डर जो है, एक मेमोरी लॉस के साथ रिलेट करता है, दूसरा मोटर मूवमेंट के साथ, यानी कि एक पर्सन में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इफेक्टिवली रोल प्ले कर सके, तो ये जो है इसमें भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हिस्टामिन क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा होता है, और ये जो है वो कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। और इसके साथ साथ ये क्या है कि इम्यून सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स करता है डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, तो उस तरह से ये वर्क कर रहा होता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि वो डिजीजेस के रिस्पॉन्स में वो क्या काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, ग्लूटामेट जो है ये भी एक ऐसा एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और इनको आप गौर से पढ़ लीजिएगा, इनकी मेजर चीजें मैंने बता दी हैं, तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम जी, ये